संतोष जी, क्या जनता दल यूनाइटेड का एक धड़ा नीतीश कुमार के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि हमको बीजेपी के साथ जाने में ही सुविधा है और हमारी पार्टी बच पाएगी? संतोष जी, ये अप्रत्यक्ष रूप से यस, मैं सतीश सर की बात से सहमत हूँ। वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, आप खुल के ही नाम देखिए। जैसे कि आप अभी जो तीन करीबी आदमी हैं, तीन लीडर्स अशोक कुमार चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं और संजय झा हैं, ये तीन इनके अभी क्लोजेस्ट सैटेलाइट्स में हैं। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि अब अशोक चौधरी के बारे में मैं उत्तर क्लियर नहीं हूँ, ये प्रो बीजेपी होंगे, ये आउट नहीं दे रहे होंगे। तो ललन सिंह ने जो आरसीपी सिंह के साथ किया था, इन तीनों ने वही किया, दे आर डूइंग आरसीपी टू ललन, वही काम कर रहे हैं। तो आप जो ब्रॉड सेंस में जो आप लोग सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं भी सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या कितना ऐड में कर सकता हूं, मैं जो क्या सोच रहा था, मैं एक चीज में ऐड करना चाह रहा हूं, जो अजय जी भी बोल रहे थे कि जेडीयू और ये बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में स्टेट और सेंटर की, मेरी बातचीत अभी दो दिनों में ऑलमोस्ट सारे टॉप लीडर जितना मैं कर सकता था यहाँ वहां मेरी हुई, और मैं एक दोनों कैंप से मैंने सेंस निकालने की कोशिश की। स्टेट यूनिट एकदम अनकंफर्टेबल है नीतीश कुमार के आने के ये से, पूरा कहता है कि हम लोग जो स्टीम बनाते हैं वर्कर्स में, जो एक जोश भरते हैं, वो फिर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पूछता है कि फिर से जेडीयू के लिए काम करना पड़ेगा। तो अगर सम्राट चौधरी की बात रहे तो वो नीतीश कुमार आएंगे तो सेम स्पेस में उनको लगेगा कि इतना मेहनत किया, इतनी पोस्टरिंग की, इतना भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा। लेकिन बीजेपी वन इलेक्शन एट ए टाइम सोचती है, बीजेपी के दिमाग में लोकसभा है अभी, बीजेपी के दिमाग में 25 नहीं, बिहार का विधानसभा कतई नहीं है। वो जैसे आशुतोष जी आप खुद बोल रहे थे कि अब एक ऐसा स्टेट जहां इनको लग रहा था कि हमारी एक ब्लॉक था, आप देख के देखिए 2014 के इलेक्शन उन्होंने अकेला लड़ा है, उसके अलावा अभी तीन इलेक्शन जो है 30 सीट 32 सीट 39 सीट, एक ऐसा स्टेट जहां आपको 25 सीट का सीधा घाटा दिखता है, 30 का भी घाटा हो सकता है, उस स्टेट में आप फिर से वापस आ सकते हैं। इंडिया ब्लॉक हो जाएगा, वो पूरी तरह से उस चीज को आप खत्म करेंगे, जो अपोजिशन की जो मुहिम जो भी स्टीम ले रही है, उस स्टीम से उसकी हवा निकल जाएगी। तो वो अपने आप कमजोर है, लेकिन बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को अपने शर्तों पर लाएगी। इस बार नीतीश कुमार बार्गेनिंग पोजिशन में नहीं है, इसके पहले तक हर बार वो बार्गेनिंग पोजीशन में रहे हैं, उनको पॉलिटिकल अपर हैंड है। बीजेपी इंजॉइंग द गेम, वेट कर रहा है कि ये पार्टी कैसे टूटती है, इसमें क्या 29 में क्या होता है, कौन इनका दूसरा नेशनल प्रेसिडेंट बनता है, क्या पॉसिबल रिवेलियन होता है, उसके बाद बीजेपी स्ट्रेटजी करेगी। और बीजेपी में मैं टॉप टू को छोड़कर के किसी को कोई जानकारी नहीं है, सारी गोल गोल घूम करके एक ही बात पहुंचती है। कभी कभी को हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो लिखते हैं वही बात हमारी बात ही घूम के हम तक पहुंच रही है। इसमें कोई आत्मुग्धा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो नीचे ट्रांसमिट हो ही नहीं रहा इंफॉर्मेशन। अगर कोई बातचीत हुई होगी नहीं होगी, किसी को कोई पता नहीं, कोई कंफर्मेटरी सोर्स नहीं है। और अभी तक एज ऑन डेट वही कर रहे कि हम इनको बार बार क्यों रिवाइव करेंगे। तो ये जो बीजेपी नीतीश कुमार की जो ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स है, जिसके कारण से 18 सालों से राज कर रहे हैं, वो अगेन वो टेस्टेड एंड ट्राइड ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स को फिर से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कारण आरजेडी। लेकिन आरजेडी इस बार मैं आपको बता दूं, मेरी शाम को भी कुछ लोगों से बातचीत थी, कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं कि 114 है हमारे पास, 7-8 तो निकल जाएगा, स्पीकर भी अपना है, और ये बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ देखा जाएगा, अलग ग्रुप की मान्यता दी जाएगी, ये उनका उनका प्लान अपने आप से धीरे धीरे तैयार। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक एक एमएलसी उनके अगेंस्ट में बोल रहे थे, नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कुछ फेसबुक ट्विटर पर कर रहे थे सुनील कुमार सिंह, तो उनको कह दिया गया है कि तुम मत बोलो, इतना ही आरजेडी ने किया है, उसके अलावा कोई उनका आधिकारिक बयान नहीं है। और शेष में वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, हम लोग को ऑफ द रिकॉर्ड का इंटरनल मैटर है, ललन सिंह रहे न रहे। और ललन सिंह की जहां तक अपनी पॉलिटिक्स है, मैंने थोड़ा सा आज एनालाइज भी किया है, उनसे डिस्कम्फर्ट इन लोगों को हो रहा था, उनको लगता है कि मित्र और मित्र बॉस, इसकी दूरी वो शायद समझ नहीं पाए। वो नीतीश कुमार मित्र है, 5-10 में मान लेता हूँ, लेकिन मित्र जब बॉस होता है तो वो अलग होता है। जैसे अजय सर ने कहा ना कि भाई कि आप हट जाइए, और अभी जब ओबीसी ड्रिवन पॉलिटिक्स है, एबीसी ड्रिवन पॉलिटिक्स है, तो एक अपर कास्ट नेशनल प्रेसिडेंट जेडीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है।
एकदम कोई कोई एकदम इरेलेवेंट है उसको इस कैन बी डिस्पेंस्ड विद उनको इसलिए। और दूसरी बात है कि लालू परिवार के साथ प्रॉक्सिमिटी हुई, अशोक चौधरी के साथ जो प्रकरण हुआ, अशोक चौधरी बरबीघा जाते हैं, जमुई पर भी उनकी नजर है, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी क्रिएट करना चाहते हैं तो ललन सिंह को लगता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में घुस गया, वो कहता है कि हमको पावर, तो ये सारे मेरे बुलेट पैलेट की तरह बहुत सारी बातें हैं। संतोष जी ये जो 114 आपने नंबर दिया ये क्या है, ये यानी आप ये इशारा कर रहे हैं कि जेडीयू के कुछ लोग टूटकर आरजेडी के साथ मिल सकते हैं और आरजेडी की सरकार बन सकती है? क्यों नहीं मतलब 8 की तो संख्या है, ये सबसे बड़ी पार्टी है, 79 है इनके पास, कांग्रेस के पास 19 है, 12 ML के पास है, दो दो CPI इसके 114 है, 122 की सिंपल मेजोरिटी होती है। और जेडीयू ही क्यों, बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आरजेडी माइंडेड है, उनको लगता है 25 हम जीत नहीं पाएंगे अगली बार इस प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप में, जो ओबीसी ईबीसी लोग हैं, यादव होंगे, मंडल होंगे, वो भी अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि भाई यहाँ हम नहीं जीत सकते हैं, इसमें करना क्या है, कुछ को हो सकता है खाली इस्तीफा करवा दे, संख्या कम है तो उसके बाद जो संख्या कम है उसी के आधार पर काउंटिंग होगी, उससे भी फायदा हो जाएगा। तो ये 8 की संख्या को जोड़ना बहुत, ये राइडर है इस बार अवध बिहारी चौधरी है, इस बार वो जेडीयू वाले चौधरी नहीं है, तो ये इस गणित के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा संशय होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ललन जी गोइंग टू बी अ रिवेल, आई एम नॉट, वो उसकी जरूरत ही नहीं हो पाएगी, हो सकता है वो अटेंड भी नहीं करें, लेकिन ये चीजें होगी। अभी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की तरफ से नहीं है कोई, इनको इस तरह से कोई डायरेक्ट ऑफर है, वेट एंड वॉच बीजेपी आराम से कर रही है और इस बार अपने हिसाब से बीजेपी खेलना चाह रही है, नीतीश कुमार को देखना चाहती किस एक्सटेंट तक ये जाते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।